सब्सक्राइब करें साइंस विद वीएस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिलते रहें साइंस और मैथ्स के सुपर वीडियोस। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है। सर हम लोग आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 14 कर रहे थे, हम लोगों ने 28th नंबर क्वेश्चन तक सक्सेसफुली कर लिया था, ये हमारा 29th नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट डिस्टेंसेस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट्स कंप्लीमेंट्री। सर देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बताया था आप लोगों को कि 28 और 29 नंबर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि सर यहां पे लिखा है कंप्लीमेंट्री, यानी कि आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स का यहां पे यूज करना है। कैसे कंप्लीमेंट्री एंगल्स का वो अभी देखेंगे हम लोग, ठीक है। शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। सर आपको हाइट ऑफ द टावर भी गिवन है, बस आपको प्रूफ करना है कि सर उतना ही होगा। प्रूफ तो सर हमारे जीन में है, डीएनए में बसा हुआ है, प्रूफ तो करते ही है, है ना। हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर। देखिए सर क्या बोल रहा है कि एक टावर है सर, सुंदर सा सीधा सा स्ट्रेट सा एक टावर है, ठीक है। दो पॉइंट्स है और बोल रहा है कि वो जो टावर के बेस से जो उनका दूरी है उन पॉइंट्स का, एक का है 4 मीटर दूसरे का है 9 मीटर। सर तो 4 मीटर इसी का होगा, है ना, मतलब इसका 4 मीटर इसका 9 मीटर तो होगा नहीं, पास वाले का 4 मीटर होगा। तो यानी कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या गिवन है 4 मीटर, और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस गिवन है वो 9 मीटर गिवन है, ठीक है। अब बोल रहे हैं ना सर कि ये दोनों पॉइंट से जब हम टॉप ऑफ द टावर को एक स्ट्रेट लाइन से मिलाते हैं, मतलब स्लैंटिंग लाइन से मिलाते हैं, तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो क्या क्या बनता है सर, वो दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री है। कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है सर, कंप्लीमेंट्री कम, कम मतलब 90 डिग्री, है ना। सप्लीमेंट्री से क्या याद होता है कि सुपर, सुपर मतलब 180 डिग्री, ज्यादा बड़ा, ये कंप्लीमेंट्री मतलब कम एंगल यानी कि 90 डिग्री। जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, दैट वेरी एंगल विल बी कंप्लीमेंट्री, है ना सर। यानी कि ये और ये कंप्लीमेंट्री है, यानी कि अगर हम इसको एक्स माने तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एक्स, इतना तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना सर। इसको यहां प्लस में रखे माइनस में, एक्स बराबर 90 डिग्री माइनस वाई, है ना, वही लिखे हैं सर, 90 डिग्री माइनस एक्स और एक्स, ठीक है। हाँ, तो अब मानते हैं लेट ए बी बी द टावर एंड सी डी बी द पॉइंट्स, ठीक है। हाँ लिखिए, लेट ए बी बी द टावर, ठीक है सर, बिल्कुल सर, क्या ही दिक्कत है, एंड सी कॉमा डी बी द पॉइंट्स, पॉइंट्स का क्योंकि हमको नाम नहीं दिया है सर, हमको मानना पड़ेगा सर, है ना। हाँ, एंड द, या मतलब गिवन है ना, द एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, तो हमारा एंगल्स क्या हो जाएगा, द एंगल्स आर, हमारे एंगल्स क्या हो जाएंगे, एक्स एंड 90 डिग्री माइनस एक्स। दो एंगल्स है हमारे सर, है ना, द टू एंगल्स विल बी एक्स एंड 90 माइनस एक्स, ठीक है। तो चलिए सर अब बना देते हैं क्वेश्चन को देरी ना करते हुए। देखिए ए बी सी इन ट्राइंगल, फ्रॉम फिगर लिखना है ऊपर में, उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी ट्राइंगल में आप अगर देखें क्या सर कि आपको बेस गिवन है, बेस क्या है सर, गिवन है आपको परपेंडिकुलर निकालना है, ठीक है। लेकिन सर अगर ऐसा होता था तो हम लोग सिंपल टेन थीटा लगाते थे और परपेंडिकुलर निकाल लेते, लेकिन सर आपको एंगल पता है क्या सर, एंगल भी तो पता नहीं है ना सर, तो एंगल भी तो निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो चलिए सर निकाल देते हैं फटाक से, जल्दी से, एकदम मजे से। देखिए अगर हम लोग देखें कि बेस गिवन है परपेंडिकुलर निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, मतलब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाएंगे सर, टेन थीटा लगाएंगे। तो थीटा यहां पे क्या है सर, 90 डिग्री माइनस एक्स है, ठीक है, वो लगा दिए 10 90 डिग्री माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है सर, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है सर, ए बी, बेस हमारा क्या है सर, बेस हमारा है बी सी। बहुत आसान सर, बेहद आसान क्वेश्चन। अब ए बी का वैल्यू पता है क्या, नहीं, बी सी का वैल्यू पता है क्या, बिल्कुल पता है सर, क्या है बी सी का वैल्यू, बोलिए सर 4 मीटर। अगर आप देखें क्या सर कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा यानी 10 90 डिग्री माइनस एक्स क्या होता है सर, बताइए ना सर, कंप्लीमेंट्री कौन है 10 का, 10 का कंप्लीमेंट्री है कॉट, यानी कि 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा
कॉट थीटा, और थीटा की जगह एक्स है तो एक्स लगा दिए। ये किसको किसको समझ में आया? आ ही रहा होगा सबको समझ में आया ना सर। देखिए सर क्या करना है अब हम लोगों को, अगर हम लोग देखें कि ये जो ए बी है, यानी कि इस छोटे वाले ट्राइंगल में जो ए बी है और बड़े वाले ट्राइंगल में जो ए बी है, दोनों इक्वल है, नहीं है ना सर? बिल्कुल है सर, क्या दिक्कत है? तो दिखते हैं ना, देखिए ना क्या होगा आगे। अब देखिए हम लोगों ने कॉट एक्स का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। अब अगर यहां देखिए, यहां भी एक्स है, ठीक है, हाँ सर। तो लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, देखिए सर कॉट एक्स का वैल्यू हमारे पास है, किसका है? कॉट एक्स का। और अगर हम लोग इसको भी कॉट रख दे तो क्या होगा सर? देखिए सर टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाय कॉट थीटा, ठीक है। हाँ टेन थीटा क्या होता है सर? बोलिए सर टेन थीटा, जल्दी से बोलिए सर। परपेंडिकुलर बाय बेस है ना, तो cot थीटा क्या हो जाएगा? वन बाय परपेंडिकुलर बाय बेस होगा ना? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। अब ये बेस ऊपर चले जाएगा, यानी कि cot थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? बोलिए सर cot थीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। हाँ सर, तो अगर हम इसको cot x मान लें तो हमारा बेस क्या हो जाएगा? पहले बेस ऊपर में हमारा बेस हो जाएगा, बेस हमारा क्या है? नाइन। इस बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी डी में बेस हमारा 9 मीटर है, जो कि बी डी दिया है, तो बी डी बाय बाय क्या है सर हमारा? परपेंडिकुलर। क्यों? क्योंकि हम कॉट एक्स माने। अच्छा कॉट एक्स क्यों माने? क्योंकि हमारे पास यहां कॉट एक्स आया, ये कॉट एक्स आया, कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स हुआ ना, तो दोनों इक्वेशन इक्वेट होगा ना, जो भी इक्वेशन आएगा। तो इसको हम इक्वेशन वन मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन हमारा इक्वेशन टू हो जाएगा। अब देखिए यहां क्या है सर? बाय परपेंडिकुलर इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब इसका वैल्यू रखिए जो कि 9 मीटर दिया, ये हमारा ए बी इज इक्वल टू कॉट एक्स। देखिए सर हमारे पास दो इक्वेशन फॉर्म हो गए। अब लिखिए नाउ इक्वेटिंग बोथ द इक्वेशंस, ए बी इधर भी, ए बी उधर भी, तो हमारा सॉल्व होगा ना? बिल्कुल होना चाहिए सर। देख लेते हैं एक बार करके, देखते हैं सर कैसे। नाउ बाय इक्वेटिंग वन एंड टू, देखिए सर जब हम इक्वेट करते हैं दोनों इक्वेशंस को तो क्या मिलता है हमको? हमको मिलता है कि 9 बाय ए बी इज इक्वल टू होता है ए बी बाय 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, क्या ही दिक्कत है ना? इतना तो कर ही सकते हैं हम लोग। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, ये इधर जाके ए बी इंटू ए बी, ए बी इंटू ए बी होगा ए बी का स्क्वायर, और 9 फोर 36, ठीक है। अब ये स्क्वायर इधर, स्क्वायर में इधर जाके रूट में, यानी कि ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर 36 इज इक्वल टू 6 मीटर ए बी, जो कि आपको क्या करना था सर? जो कि आपको प्रूफ नहीं दिख रहा है क्या? इसको ऊपर लिखते हैं। आंसर आया हमारा ए बी इज इक्वल टू 6 मीटर, जो कि आपको पता लग ही गया होगा, है ना? हाँ, और यही हमको प्रूफ भी करना था। तो देखिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 29। चलिए बढ़ते आगे।